हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो कि अलार्म को सेट कर सकते हो और सेट करने के बाद उसको बंद भी कर सकते हो, यानी कि पॉज भी कर सकते हो ताकि वो बजे नहीं, या फिर उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो अलार्म की पूरी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ऑन ऑफ करना और रिंगटोन चेंज करना, ये सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अलार्म सेट करने के लिए या फिर अलार्म से रिलेटेड सेटिंग करने के लिए आपको क्लॉक नाम का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे सी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको एग्री कर लेता हूँ और यहाँ पे सी लिख देता हूँ सर्च बार में, तो यहाँ पे भी आपको सी नाम से क्लॉक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसे करके सर्च करके कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर नीचे करके भी ढूंढ सकते हो, ए बी सी डी वाले सेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये अलार्म आगे यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, इसको डिलीट करना मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो, सेट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ इसको ऊपर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ओपन करते ही आपको यहाँ पे टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं 6 बजे का अलार्म लगा लेता हूँ, 6 बज के कितने मिनट पर, तो 6 बज के 5 मिनट पर मैंने लगा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रिंगटोन चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर रिंगटोन भी चेंज कर सकते हो, आपको जो भी पसंद है वो आप सेट कर सकते हो। तो मुझे ये अलार्म क्लॉक वाला अच्छा लगा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ब्लू टिक हो गया यानी कि सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से बैक कर दीजिए, यहाँ पे उसका नाम भी आ गया, आप देख सकते हैं अलार्म क्लॉक यानी कि आ गया। अब यहाँ पे आपको ये सब हो गया सेट, यहाँ पे टाइम सेट कर लिया, यहाँ पे रिंगटोन सेट कर लिया, यहाँ पे वाइब्रेशन अगर ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, ताकि जब भी रिंग भी बजे और वाइब्रेट भी हो। इसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर ज़रूर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली आपका अलार्म सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए आप सुबह उठ गए हो तो ये बार बार बजेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सुबह सुबह बज गया है फिर दोबारा से बजेगा अलर्ट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वापस जा करके आप सिर्फ इसको ऑफ कर देंगे, तो अब ये इस रात को, अब मतलब जब नेक्स्ट टाइम जब टाइम आएगा तो फिर से बजेगा, ये अगले दिन भी बजेगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो अगले दिन ना बजे, एक ही बार के लिए मैंने अलार्म सेट किया, तो यहाँ पे इसको डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, फिर आपका कभी नहीं बजेगा क्योंकि अलार्म ही हट गया यहाँ से, इस तरीके से। और सेट करना है तो वापस से कर लेना है, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से टाइम वही सेम चीज़ है। तो गाइज़, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको लगाना हटाना और ऑन ऑफ करना दोनों ही सीख लिए होंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैंने पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट इन सब से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये OnePlus की वीडियो थी।